आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के 99 बीएड कॉलेजों में नए सत्र से प्रवेश पर रोक लगाते हुए जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया। ओडिशा के रायगढ़ जिले में कोरोना विस्फोट, दो हॉस्टल में 64 छात्र मिले कोविड से संक्रमित। बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता का बड़ा आरोप, खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही आप, हिमाचल को बदनाम करने की साजिश। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में एक्शन शिख फॉर जस्टिस के नेता गुरु पन्नू के खिलाफ केस सुनाए किए गए सी। तेलंगाना के निजाम सागर के लारी और ऑटो ट्रॉली की टक्कर में 9 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने टैगोर, गोखले और महाराणा प्रताप को दी श्रद्धांजलि, कहा लाखों लोगों को आज भी मिलती है इनसे प्रेरणा। खाद संकट से उबारने में भारत की पेशकश पर विचार, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मंत्री स्तरीय बैठक। मुस्लिम से शादी करने वाले दलित युवक की हत्या का मामला राजभवन पहुंचा, भाजपा ने की सख्त कार्रवाई की मांग। निकोबार में देर रात आया भूकंप, कैमवेल बे में रिएक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता। पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम, हीरोइन लेकर आ रहे ड्रोन अमृतसर में। चक्रवात आसानी को लेकर चेतावनी जारी, ओडिशा में होगी भारी बारिश, लू को लेकर मौसम विभाग को किया गया अलर्ट। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों के 20 से 14 ठिकानों पर छापेमारी। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे ने बढ़ाया सियासी पारा, पोस्टर वॉर पर प्रशासन का एक्शन, अयोध्या की सड़कों चौराहों पर लगे होर्डिंग को हटाया गया। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना को खत्म करने की हुई नाकाम कोशिश। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव का अभियान किया तेज, 500 डॉक्टर पार्टी में शामिल, पीएम मोदी और अमित शाह ने किया गुजरात का दौरा। अलीगढ़ में अहमदी स्कूल के छात्र की तबीयत खराब, नेत्रहीन छात्र ने लगाया मारपीट का आरोप। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में हुई मारपीट, लाठी डंडों के साथ बारातियों पर पथराव, मारपीट में कई लोग हुए घायल। बिजनौर में अपहरण मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। देवरिया में अश्लील हरकत करने पर आरोपी पूर्व प्रचार गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई।
फिरोजाबाद में वृद्ध महिला की मौत का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी महिला की मौत। गाजियाबाद में 3 दिनों में 3 चोरी की वारदातें, शादी का घर बना चोरों का निशाना। रायबरेली में महिलाओं और लड़कियों ने बिखेरा जलवा, फैशन का हुआ आयोजन, रायबरेली में हो रहा है प्रतिभाओं को सामने लाने का काम। मुरादाबाद में सांसद जफर इस्लाम डिलावरी गांव पहुंचे, रामपुर हादसे में घायलों के परिजनों से की मुलाकात, 2 दिन पहले रामपुर में हुआ था सड़क हादसा। कुशीनगर में 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री संजय गंगवार, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश। एक बार फिर मित्र की भूमिका में उतरे उत्तर प्रदेश पुलिस, सहारनपुर में पार्थिव शरीर को दिया कंधा। कानपुर की आबो हवा बताएंगे, आईआईटी के सेंसर 10 जगह लगेंगे, डायनामिक हाइपर सोर्सेज अपोर्शमेंट यूनिट। हत्यारोपित बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए लगा दी फर्जी टीसी, आरोपित पिता पर मुकदमा। लखनऊ में 2 रुपए महंगा हुआ सीएनजी, जबकि अभी तक सीएनजी के दाम 43.80 रुपए प्रति किलोग्राम थे। जेवर में पंडाल में विस्फोट, उत्तर प्रदेश के सांसद समेत कई भाजपाई बाल बाल बचे। रानी लक्ष्मीबाई बलिदान के पल याद कर आंख हुए नम, मेरठ में रखे दस्तावेजों में गौरव गाथा का बखान। नाले में डाला मुर्गे का पंख, नगर निगम ने लगाया 10,000 का जुर्माना। औरैया में पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से टकराया ट्रैक्टर को, क्षतिग्रस्त, 1 घंटे प्रभावित रहा रेल यातायात। साइबर ठगों ने खाते में से उड़ाया 3,18,000 करोड़ रुपए, साइबर थाने ने 69 लाख वापस कराया। मेरठ में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका, 1 हिरासत में। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी, एसटीएफ ने विभूति खंड से आरोपित को दबोच। जलौन के ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ की लूट, बदमाशों ने व्यापारी परिवार को कमरे में बंद करके की वारदात। गोरखपुर में बिकते हैं मरीज, कदम कदम पर लगती है बोली, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया अस्पतालों की सूची। याकूब कुरैशी और स्वजन के शस्त्र लाइसेंस किए जा सकते हैं निरस्त, आर्थिक मददगार की रडार पर। वाराणसी के सलीम ने पेश की आपसी सौहार्द की मिसाल, 18 साल से करते आ रहे पूजा और इबादत। यूपी के जिलों में बिजली विभाग की पहल असरदार, 94% लोगों के लिए मददगार साबित हुआ हेल्पलाइन नंबर 1912।
आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे योगी सरकार, अफसरों को भी दंडित करने के निर्देश। देवबंद से गिरफ्तार तलहा के मोबाइल डाटा छानबीन में जुटी एटीएस, पूछताछ के दौरान मिली कई अहम जानकारी। महंगाई को लेकर भाजपा पर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा हर दिन सरकार कर रही डबल डकैती। जेलों में कैदियों से कराया जाएगा गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का जाप, कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का निर्देश। मेरठ में एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे चौराहे का इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट। स्टेशन अधीक्षक को मिले पत्र से हड़कंप, हरिद्वार के कई मंदिर समेत सीएम धामी को बम से उड़ाने की दी धमकी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, पिंकी ने मौत से 10 मिनट पहले भेजा था मैसेज कमिंग सून, लेकिन घर लौटा उसका शव। पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुगलबंदी, उत्तराखंड को आ रही रास, लेकिन कांग्रेस में महसूस हो रही हार की कसम। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे आनंद रावत और सुमित हृदेश के बीच चला फेसबुक वार। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर निभाई जाती है अनूठी परंपरा, श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है घृत कंबल। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। अब स्मार्ट बैरक में रहेंगे उत्तराखंड पुलिस के जवान, कुल लागत होगी 3,82,00,000, मिलेंगे आधुनिक सुविधाएं। कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रीन बिल्डिंग की राह आसान नहीं, हरिद्वार रोड स्थित परिवहन निगम की कार्यशाला की जमीन उपयुक्त। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के दिन घंटों बिजली गुल रहने के मामले के बाद बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी मनु सती को। नैनीताल की सजा बिगड़ने की कोशिश, आतंकी संगठन आईएसआईएस जोड़कर वायरल किया वीडियो। चलते वाहन में नाबालिग से की छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, पुलिस ने हरियाणा निवासी आरोपित आईटीबीपी के जवान को किया गिरफ्तार। देहरादून के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में न तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया और न ही कोई ऐप या लिंक को क्लिक किया, उसके बावजूद खाते से उड़ गए 31,00,000 रुपए। सैन्य सुरक्षा जैसे विषयों से जुड़े इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, विश्वविद्यालयों ने शुरू किया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। पेट्रोल डीजल की संशोधित कीमतें जारी, पिथौरागढ़ में 105.81 रुपए प्रति लीटर रहा पेट्रोल। टचिंग ग्राउंड, गोलापार की जमीन पर पड़ी हल्द्वानी में सड़क किनारे लगाया जा रहा कूड़े का ढेर। बांग्लादेश ने श्रीलंका को दिए कर्ज की अदायगी की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई, श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा।
विशेषज्ञ ने कहा रूस पूरी तरह से यूरोप से एशिया की ओर गैस निर्यात को कर सकता है डायवर्ट, 2025 तक और बढ़ेगी मांग। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था से डगमगाया चीन का भरोसा, पाकिस्तानी सांसद ने मीडिया से साझा की जिनफिंग सरकार की मनोदशा। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के दशकों बाद यूक्रेन में लौटा अंधेरा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का दावा, पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने बनाना चाहता था अमेरिका, मैंने इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अचानक पहुंचे यूक्रेन, जताया समर्थन। यूक्रेन को कनाडा का मिला साथ, कनाडा ने यूक्रेनी आयातों पर एक साल के लिए सभी व्यापार शुल्क हटाए। कोरोना के बाद अब ब्रिटेन में मिला मंकी पॉक्स वायरस का मामला, चूहे जैसी संक्रमित जानवरों से मनुष्यों से फैलने वाला वायरस है मंकी पॉक्स। सख्त लॉकडाउन के कारण शंघाई में मचा हाहाकार, भोजन और आवश्यक सामानों की कमी से जूझ रहे हैं लोग। G7 नेताओं ने यूक्रेन को सैन्य और रक्षा मदद जारी रखने की घोषणा की, पुतिन पर साधा निशाना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटा रुपया, सबसे निचले स्तर 72.42 रुपए तक गिरा, जो पिछले बंद से 52 पैसे की गिरावट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहली प्रतिक्रिया दी और कहा RBI के रेपो बढ़ाने की टाइमिंग थी चौंकाने वाली। अक्टूबर में फिर से बढ़ सकती है गैस की कीमतें, रिलायंस का अनुमान, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों के कारण गैस के दाम उच्च स्तर पर। जेट एयरवेज को मिला सिक्योरिटी क्लियरेंस, अगले कुछ महीनों में शुरू करेंगे कॉमर्शियल फ्लाइट। LIC IPO में बोली लगाने का आखिरी मौका, रविवार को 5वें दिन 1.79 गुना हुआ सब्सक्राइब। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार से रौनक गायब, निवेशकों को हुआ 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। शादियों के सीजन में मांग बढ़ने की वजह से सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट, डॉलर की कमजोरी से सोना हुआ मजबूत। शेयर बाजार के मूड खराब होने के बावजूद शानदार रही कैंपस, एक्टिवियर की लिस्टिंग 21% के उछाल के साथ शेयर कर रहा ट्रेड। शेयर बाजार की खराब शुरुआत, सेंसेक्स 650 अंक टूटकर 54,200 के नीचे, निफ्टी ने तोड़ा 16,300 का स्तर। IRCTC दे रहा 4 धाम घूमने का मौका, 12 दिन का होगा ट्रिप, रहने खाने को मिलेगा फ्री, बच्चों के लिए चेन्नई की दमदार जीत के बाद अंक तालिका में बड़ा बदलाव, मुंबई सबसे नीचे, लखनऊ और गुजरात लगातार टॉप 4 में है। राजस्थान रॉयल्स का तूफानी बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर बीच IPL में लौटा वापस अपने देश।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैंपल ने कहा उमरान की गति को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। धोनी के सामने कोहली की चालाकी पड़ी उन्हीं पर भारी, बिजली की रफ्तार से किया मैक्सवेल को रन आउट। बात बोले कप्तान एमएस धोनी, प्लेऑफ में पहुंचे तो अच्छी बात, नहीं पहुंचे तो दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत, दिल्ली कैपिटल्स का 91 रनों से हराया, दिलचस्प हुई प्लेऑफ की राह। रणवीर सिंह ने विराट कोहली पर जताया भरोसा, कहा टी20 वर्ल्ड कप 2022 में दिखाएंगे अपना जलवा। दिलचस्प हुई पर्पल कैप जीतने की रेस, 21 विकेट लेकर हरसंगा दे रहे चहल को चुनौती, पर्पल कैप पर युजवेंद्र चहल का कब्जा बरकरार। मोइन अली की फिरकी में फंसे दिल्ली के बल्लेबाज, चेन्नई को मिली सीजन की चौथी जीत। फिनिशर दिनेश कार्तिक के बल्ले ने फिर उगली आग, हैदराबाद के खिलाफ 375 के स्ट्राइक रेट से बनाए रन। अक्षय कुमार ने मजबूरी में की थी द कश्मीर फाइल्स की तारीफ, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का खिलाड़ी कुमार पर आरोप। सौ दिन बाद हॉस्पिटल से घर आई प्रियंका निक की नन्ही परी एक्ट्रेस ने दिखाई बेटी की पहली झलक। सिंघम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल पर मदर्स डे कविता चोरी करने का लगा आरोप, ट्रोल होने पर ओरिजिनल राइटर को दिया क्रेडिट। एक्ट्रेस कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप जीतने के बाद अपने घर डोंगरी पहुंचे मुनव्वर फारूकी, सड़कों पर उमड़ी भीड़। साउथ के जाने माने एक्टर प्रभास के फिल्म प्रोजेक्ट के में दिशा पाटनी की एंट्री, एक्ट्रेस ने जाहिर की खुशी। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने कर ली सगाई, फैंस को दी गुड न्यूज लेकिन छुपाया मंगेतर का चेहरा। लाइवी के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बढ़ाया 70 किलो वजन, कम करने के लिए करनी पड़ी थी मशक्कत। पुरी जगन्नाथ ने अपने लाइगर को बताया देश की शान, निर्देशक ने एक्टर विजय देवरकोंडा के बर्थडे पर शेयर की खास पोस्ट। शार्क टैंक इंडिया के अश्नीर ग्रोवर ने अमीर और मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर बनाया मजेदार वीडियो, हो रहा है वायरल। पिंजरा गाने में एक्टर आसिम रियाज संग काम करने पर हिमांशी ने दिया बयान, एक्ट्रेस ने जाहिर किए जज्बा। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।